पानी आ रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं खाऊंगा, ये तुम्हारी हेल्प करा दूंगा, भाई को तो खिला नहीं रही, हाँ तो थोड़े बहुत दोनों मिलके खाएंगे। हाँ दोनों मिलके खाएंगे, तीसरे को बस दिखा दिखा के। अभी ताजा ताजा देखो कैसे धुआं निकल रहा है। भाई देखना जरा। अभी अभी हाँ तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, हर हरी अच्छे होंगे। और आज जो है मैं भाई के साथ बहुत ही बड़ा चैलेंज करने वाली हूँ, जिससे मैं भाई को जो है ना कब से छेड़ रही हूँ इसकी वजह से, कि भाई मैं आपके साथ चैलेंज करूंगी चैलेंज करूंगी। वैसे तो मैं इतनी वीडियोस यूट्यूब पर देखती नहीं हूँ, लेकिन एक दो दिन से देख रही हूँ भाई के साथ कोई चैलेंज करने के लिए। मैंने सोचा भाई को तंग करने में मजा आता है, जैसे पहले प्रैंक किया था मैंने भाई के साथ, आज चैलेंज करूंगी। प्रैंक पे भी भाई बहुत गुस्सा हुए थे, लेकिन आज तो इतना गुस्सा नहीं होंगे मुझे पता है। लेकिन मैं जो है ना एक ऐसा चैलेंज करूंगी आपके साथ कि आप मुझे मेरी फरमाइशें जो है ना पूरी करेंगे, यानी कि सारे दिन में आप मुझे मना नहीं करेंगे मेरी बातों पे, हाँ हाँ करते जाएंगे बस, सेइंग यस टू सिस्टर चैलेंज, यानी कि अच्छा बस मेरी हर बात मानेंगे, मना नहीं कर सकते आप मुझे। ठीक मतलब है, उस वो वही वाला चैलेंज ना, जो भी आप बोलोगी वो मुझे करना होगा। हाँ जो भी बोलो, कैसा आसान है या मुश्किल होगा? आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। कर अगर मैं आपको आसान आसान चीजें बोलूं तो? तो मैं लूंगा, मुश्किल भी कर लूंगा, अच्छा लेकिन चले अब स्टार्ट करते हैं इस चैलेंज को, रात 12 बजे तक। हाँ 12 बजे तक, ताकि लोगों को भी तो लगे ना भाई कि 24 आवर्स हमने चैलेंज किया। 24 आवर्स तो नहीं, अभी 12 बज रहे हैं, रात 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ 12 आवर्स आपके साथ ये चैलेंज करेंगे बस। ठीक है ना, चलो सही है। मुश्किल लग रहा है ना? अभी से डर लग रहा है भाई का तो, लेकिन मैं इतनी मुश्किल चीजें भी नहीं बोलूंगी, घर में हूँ मैं, घर के ही काम बोलूंगी। मैंने ये वीडियो देखी है, बहुत देखी है, उसमें लड़कियां भाइयों को उससे क्या क्या करवाती हैं। मैं लेकिन मैं बता कुछ नहीं रहा, मशवरा नहीं हाँ दे रहा। लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं करवाऊंगी। बस अभी मैं आपको एक हुक्म देती हूँ, जो कि मानना है आपने मेरा ये हुक्म। यस क्या हुक्म, आप मना तो कर नहीं सकते। देखें अभी सफाई मैंने कर ली है, बर्तन रखे हुए हैं मेरे बहुत सारे, जो कि मैं नहीं धो रही हूँ, मैंने मैं नहीं छोड़ धोने दिए थे, वाला बर्तन वही मना कर दिया आपने। आपने मना नहीं करना, आप सेइंग यस चैलेंज है, क्या। आप मुझे यस बोलेंगे हाँ बोलेंगे, ठीक है बहन मैं करता हूँ, आपका हुक्म सर आंखों पर, कोई वो बर्तन इतने सारे हैं, बात नहीं, चले आ जाए, काम करें, हुक्म माने। आज आप मेरा, हमेशा आप हुक्म चलाते हैं, आज मैं चलाऊंगी, आज मेरा दिन है। अच्छा सही है, धो देता हूँ थोड़ी देर बाद में। नहीं अभी चलें, ये देखिए कि भाई पहले तो अभी खड़े होकर सोच रहे हैं कि इतने बर्तन में धोऊंगा कैसे। हाँ सोच ही रहा हूँ ये इतने सारे बर्तन हैं। कोई नहीं कोई नहीं, धो लेंगे धो लेंगे, आराम से धो लेंगे। स्टार्ट, कभी भी 1 2 3 गो। बर्तन धोए, कभी भी नहीं मैंने बर्तन धोए। ये आज धो लें, गलत है, ये तरीका नहीं है कोई, ये बर्तन बर्तन धोना लड़कियों का काम है। लेकिन ये तो चैलेंज है, चैलेंज तो कुछ भी हो सकता है। तो चैलेंज होता है, कोई और काम बोल देती, नहीं कोई फिर खाने कोई, पीने फिर की चीज मंगा लेती। कोई और अगर मैं बोलती तब भी आप बोलते, ये कोई काम होता है, कुछ और बोल लेती। चल बोलता हूँ फटाफट। स्टार्ट, मजा आएगा आज तो, बहुत मुश्किल दिन होने वाला है आपके लिए भाई। पता नहीं क्या क्या मनवाऊंगी अभी तो मैं आपसे, ये तो बर्तन है अभी बस, ये पहला चैलेंज है आपके लिए। भी मेरे को समझ में नहीं आ रही, ये बर्तन उल्टे कैसे। धुलते कैसे? अच्छे से धोए, पानी ज्यादा नहीं लाया करना, कल चलो ही भरवाया है, फेंकनी ये तो हो गया। है बहुत सारे हैं अभी, 10 से भी ऊपर, 25 30 होंगे। जिस 30 है 50 है, अब मैं धो के छोड़ूंगा साथ। चलें भाई, ने जैसे तैसे करके सारे बर्तन धो लिए, मेरा काम हल्का हो गया है, बहुत ही खुश हूँ आज मैं। देखें सारे बर्तन धुल चुके हैं, लेकिन अब स्लिप साफ करना ना मेरा काम है, क्योंकि ये भाई से होना ही नहीं है, ये भी बड़ी मुश्किल से धोए भाई ने।
खैर अब इनको लगाना और स्लिप साफ करना मेरा काम है। उसके बाद एक चैलेंज और है जो कि मैंने भाई से कराना है। अभी मजे से भाई जो है ना लेटे हुए हैं, यहाँ देखें सोफे पे लेटे हुए, मुझे ही देख रहे हैं अभी। खैर कोई नहीं, अपने बर्तन सेट करती हूँ, उसके बाद एक काम और कराती हूँ भाई से। काम खत्म करने के बाद यहाँ मैंने धोके डाला है पोछा, जो कि मैं नहीं लगाऊंगी, भाई से लगवाऊंगी। यहाँ से पोछा धो दिया है मैंने, बाकी काम भाई से करवाती हूँ। चलें जल्दी उठें, चलें चलें चलें, इसको साइड में क्या रखिए, है? उठे उठे, एक और काम है। चले चले चले, आओ जल्दी 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 ना आओ, तो जल्दी 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 से, आज मेरा दिन है, काम करेंगे आप। आओ हाँ इधर 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 तशरीफ लेके आए, ये देखिए, चले चले इधर तशरीफ लेके आए, बैठे नीचे बैठे बैठे। हाँ ये पोछा लगाए अब अच्छे से, रगड़ रगड़ के लगाना, मेरा चेहरा दिखे फर्श में। ये कौन सा करेगा? चले लगाए अच्छे से रगड़ के। हाँ ऐसे VIP हो गया। जल्दी जल्दी जल्दी, कैसे टॉप टॉप के लगा रहे हैं। ये हो गया ना, अच्छी बात। अब ये एक और जगह लगाना है। मजा आ गया आज तो। चलें बस हाँ बस। भाई ने इतनी फास्ट पोछा लगाया, इतनी स्पीड में पोछा लगाया और इधर पोछा फेंक दिया। चलें अभी पोछे को उठाएं और अपने कमरे में भी लगाएं, चलें जल्दी से। में बहुत हो गया, नहीं 24 आवर्स है, अभी एक घंटा पूरा हुआ है। मेरा पंखा चल रहा चले कोई बात नहीं, आ जाए जल्दी, सूख जाएगा पोचा। जल्दी जल्दी जल्दी। वैसे मैं सोच रही हूँ घर के काम तो हो गए, अब घर में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं आपसे यस बुलवाऊं। क्या मतलब? अब सोच रही हूँ आपको बाहर भेजा जाए, थोड़ा फुहार कराया जाए गलियों में रोडों पे। मैं पागल हूँ, रोडों पे घूमूंगा मतलब हाँ घूमेंगे थोड़ी देर के लिए, पागल भी बन जाना। किस लिए? क्या करना है? क्यों, काम है या ऐसे ही फालतू? फालतू में क्या मतलब, फालतू में तो नहीं घूमेंगे, बस पकोड़े मंगवाने हैं मैंने, जो कि यहाँ तो मिलते नहीं है, आपको पता है बहुत दूर जाना पड़ेगा और बाइक पे नहीं जाएंगे आप। ये तो गलत, वो तो मैं ला दूंगा, लेकिन ये गलत है कि मैं पैदल जाऊं। पैदल नहीं में पैदल जाएंगे, पैदल जाएंगे, बाइक की चाबी मैं अपने पास रखूंगी, लेके कैसे जाएंगे। चलो पैदल ले आऊंगा, मसला नहीं है, लेकिन हाँ पैसे भी आप अपनी जेब से देंगे। भाई पैसों की शर्त तो नहीं है ना इसके अंदर? नहीं पैसों की मैं लगा रही हूँ, आप मेरे हर फरमाइश पूरी करेंगे, चाहे मैं पैसों का बोलूं, घर के काम का बोलूं, या कहीं लेके जाने का बोलूं, अच्छा आप खाली सब कुछ। पकोड़े लाने ना बस, हाँ खाली पकोड़े, बस पैसे आप देंगे, पैदल जाएंगे, रोड अब पे वो मेरी फुहारों में मर्जी डूबे। जितने के लाऊं। नहीं जितने के नहीं, 70 रुपए 100 रुपए के लें, ज्यादा नहीं। बस मैंने अकेले नहीं खाने, आप तो खाएंगे नहीं, मैं ही खाऊंगी। इतनी दूर भी जाएंगे लेकिन अपने लिए नहीं लेके आएंगे कुछ भी, मैं चलो खाऊंगी। जो भी लेके आएंगे ना, चाहे अपने लिए भी कोई चीज उठा के लेके आए, वो भी मेरी होगी। सही, ला देता हूँ लेकिन बाइक पे नहीं पैदल, ये शर्त है मेरी कि पैदल जाएंगे आप। मैं नहीं जा रहा। ठीक नहीं मना तो कर नहीं सकते आप, हाँ करेंगे भाई, यस चैलेंज है ये। चले मना तो कर नहीं सकते आप, मुझे हाँ ही बोलेंगे, चले अभी जाएं, अच्छे अच्छा बच्चों की तरह, अच्छे भाई की तरह। सही। ये देखें भाई पकोड़े समोसे लेके आ चुके हैं, और अब जो है ना मैंने भाई को बोला है कि आप निकालें हमें सर्व करके दें, ये भी आपकी चैलेंज में आता है, आपके चैलेंज में आता है, लेकिन खाएंगे भाई नहीं, भाई के मुंह में पानी आ रहा होगा, तरस रहे होंगे खाने के लिए, लेकिन खाएंगे तो नहीं। खाऊंगा मैं ये मैं सा इतना सभी नहीं दूंगी, इतना सभी नहीं, मैं ये समोसे खाऊंगा, क्योंकि मैं ये समोसे अपने लिए लाया हूँ, मैंने कहा था ना, उससे पकोड़े आप मंगाए। अगर अपने लिए चीज भी लाएंगे वो भी मैं खाऊंगी, यानी कि ये टेबल पे जो भी सामान रखा है ये सारा मेरा है। और मैं क्या खाऊंगा भाई? वैसे आप मेरे साथ खाएंगे, भाई को मैं कुछ नहीं खिलाने वाली आज। तो मेरी तबीयत सेट सेट नहीं है, अभी कितने दिन हो गए, बस दिल कर रहा है कि दो चार ये खा लूंगा। क्या है ये, पकोड़े पकोड़े हैं या कचौरी है? आलू वाले तो एक कचौरी भी आती है इसी तरीके की ना। अच्छा
उसको कचौरी बोलते। चलें फिर खाएं, स्टार्ट करें भाई को दिखा दिखा के खाएं। वो तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं खाऊंगा, ये तुम्हारी हेल्प करा दूंगा। भाई को तो खिला नहीं रही, तो हाँ थोड़े वो दोनों मिलके खाएंगे। हाँ दोनों मिलके खाएंगे, तीसरे को बस दिखा दिखा के। मैं भी ताजा ताजा देखो कितना धुआं निकल रहा है। भाई देखना जरा। अभी अभी मैं तो वाह हाँ वाह भाई, चले, हम तो खाते ये हैं तो भाई को तरसाते हैं। हमारे लिए जो है ना ताजा ताजा बनवा के लाया है, अपने लिए नहीं लाया। हाँ ये देखें, बाहर अभी बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है, नीचे तो बिल्कुल भी दीवार पे धूप नहीं आ रही, बाहर सिर्फ दरख्तों पे धूप आ रही है, जो सामने पौधे लगे हुए हैं। थोड़ी देर में धूप भी चले जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। और अभी मैं यहाँ पर बैठ के चावल साफ कर रही हूँ, क्योंकि आज हम दाल चावल पका रहे हैं, और पापा ने भाई को लगा दिया है गरम मसाले में से जीरा निकालने के लिए। भाई इसमें से जीरा निकाल रहे हैं, और भाई इसके लिए भी मना नहीं कर सकते थे, एक तो पापा ने दिया है, और मैं भाई को बोलती हूँ उससे यस चैलेंज है, आप इसको मना नहीं कर सकते। मैंने पहले पापा को मना किया था, मैंने बोला मैं नहीं निकालना, नेहा को दे देना। लेकिन फिर नेहा ने बोला सही है, सीलिंग करना पड़ेगा करना पड़ेगा। नहीं चाहे जो भी बोले। हाँ कहाँ से ये सीलिंग निकल दिया। भाइयों के लिए मुश्किल पैदा हो गई है ना। चलिए किसी दिन मैं भी करूंगा, आप करना, आओ। चेक करूंगी मैं कब करेंगे हिसाब बराबर। ये देखें इसमें तो ना बड़ी मुश्किल से भाई जीरा अलग कर रहे हैं गरम मसाले में से, क्योंकि जीरा छोटा छोटा सा होता है, बारीक बारीक, तो वो नीचे दब जाता है, बाकी मोटी मोटी चीजें ऊपर की जाए। देखने कब आप बदला लेंगे मुझसे, अभी फिलहाल ये बदला मैं ले रही हूँ। सही है। हाँ शाम के बाद से अभी तक भाई के साथ एक भी चैलेंज नहीं कराया मैंने, जो है ना भाई को माफ कर दिया, क्योंकि भाई को कुछ ज्यादा ही डर लग रहा था कि पता नहीं कौन कौन से चैलेंज कराएगी, कुछ ज्यादा ही मुश्किल ना करा ले, ऐसा ना हो मेरी हालत खराब हो जाए। मैंने इस वजह से भाई को कर दिया है आज माफ। इंशाल्लाह फिर कभी कोई और चैलेंज करूंगी, या आप मेरे साथ कर लेना, लेकिन आज मैंने माफ कर दिया आपको। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे माफ कर दिया, वरना तो ये वाला चैलेंज ना सबसे भारी कड़वा पड़े। चैलेंज है, हाँ भारी पड़ रहा था मुझे, पता नहीं है क्या क्या कह रही थी। इतने लेकिन बर्तन धो के कैसा मजा आया ये बताएं, फील कैसा हुआ? घिन आ रही थी ना मुझे बर्तन धो के, ओ पता घिन आ रही थी, नहीं सुने जरा। लड़कियां कैसे धोती हो, मैंने मुझको कोई आसान धोए काम नहीं तो नहीं जाए। करता ना मतलब के। हाँ नहीं मुश्किल काम सोचा और पोछा लगाया था स्पीड में यूज, आसान तो थे, एक मिनट का सा काम काम। था है ना। हाँ चले कितनी फिर जल्दी सही लगाया है। था मैं, हाँ सही है, ये चैलेंज आपने अपना पूरा किया, आधा आधा नहीं पूरा। आधा आधा पूरा किया है, बाकी पूरा अभी बाकी है, जो कि मैंने माफ कर दिया है आपको। अब बाकी चैलेंज हम नहीं कर रहे, इंशाल्लाह बाद में करेंगे, या जो है ना भाई के साथ में कोई और चैलेंज कर लूंगी, लेकिन ये चैलेंज नहीं कर रही। और इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो देख के बहुत ही मजा आया होगा, हंसी आई होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।